नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राजपुरा से चुनाव जीत कर नीना मित्तल ने एक नया इतिहास राजपुरा में रचा है, क्योंकि दो बार से लगातार विधायक हरदयाल सिंह कंबोज कांग्रेस पार्टी के और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जगदीप सिंह जग्गा और श्रोमणी अकाली दल से बराड़, इन सभी को हरा कर आज नीना मित्तल जो हैं भगवंत मान के शपथ समारोह में पहुंची हैं। नीना जी, क्या कहना चाहेंगे आज शपथ समारोह में आप आए हैं, क्या कहने जा रहे हैं? आज साडे ली की पूरे पंजाब ली एक बड़ी खुशी का दिन है कि पंजाब ने आज नवा इतिहास रचिया है। अपना मुख्यमंत्री खुद लोगों ने चुनिया है और सब तो बड़ी गल असी सरदार भगत सिंह की धरती से अज सहुं चुकी है, तो यह पंजाब के इतिहास में पहली बार होया है कि भगत सिंह जी तो असी परमिशन लैके उन्होंने नमन करके अज असी पंजाब सरकार बना के अगे काम शुरू कर। नीना जी, आप कोषाध्यक्ष पार्टी की रही हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आप भी कैबिनेट मंत्री हो सकती हैं, क्या कहना? देखो, ये मेरी पार्टी को पता है, मैनू जितों तक अज पार्टी ने जिथे कि लैके आए है मैं कदे सपने च नहीं सोचा सी, ते जे मेरी पार्टी मैनू इसके काबल समझूगी जो जिम्मेवारी देगी मैं तन देना। राजपुरा में भी धन्यवाद समारोह जो है आपके विरोधियों ने किया है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम देखेंगे कि अब नीना मित्तल राजपुरे में क्या काम करेगी। हरदयाल सिंह कंबोज का कहना है कि अब सबसे पहला जो प्रहार होगा वो फुहारा चौंक। वो हरदयाल सिंह कंबोज को तो पता ही नहीं लग रहा, वो बेचारे इतने अपसेट हो गए थे कि क्या बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी बनाने आई है, तोड़ने नहीं आई। हरदयाल सिंह कंबोज ने जो राजपुरा पे बदनामी के दाग लगाए हैं, कलंक लगाए हैं, हमने पहले उनको धोना है और राजपुरा को एक अच्छा शहर बना के, एक जैसे लिखा है ना कि गेटवे ऑफ पंजाब, उन्होंने तो लिखा ही था और बदनामी के दाग लगाए थे, हमने एक्चुअल में गेटवे ऑफ पंजाब बनाया। मेरा आखिरी सवाल है जल्दी आपको भी है कि जो रोज़गार को लेकर के आप राजपुरा में, आपने कहा था कि रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और कल आप जब नागरिक अस्पताल भी पहुंची थी, डॉक्टरों ने स्वागत किया, लिंग जांच वहां पर हो रही थी चुनाव से पहले, तो क्या ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कहीं ना कहीं नकेल कसी जाएगी, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच नागरिक अस्पताल में डॉक्टर के निवास पर यह काम चल रहा था। डॉक्टर्स, क्या राजपुरा में जो भी गलत काम होगा उस पर नकेल कसी जाएगी? जो डिपार्टमेंट खुशी से लोगों के काम करेगा हम उनके साथ लग के काम करेंगे, पर गलत काम ना करने देने हैं और ना करने हैं। राजपुरा वालों के लिए कोई मैसेज? राजपुरा वासियों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि जो आज उन्होंने मेरे को इतना मान दिया और मेरे पे विश्वास किया, और मैं उनको भरोसा दिलाती हूँ कि उनकी एक एक उम्मीद पे मैं पूरा उतरूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थी नीना मित्तल, और देखिए एक एक उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगी राजपुरा के लोगों का, ऐसा नीना मित्तल का कहना है, और जो भी ड्यूटी लगाई जाएगी उस ड्यूटी को बखूबी निभाऊंगी। आप देखते रहें हर खबर, कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, नमस्कार।